हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखेंगे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो आता है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप एक बार चैनल को विजिट कर लें, हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो देख लें, जो वीडियो आपको पसंद आए उसको आप देखें। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। पिक्चर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये प्रतिमा गुजरात में स्थित है। हम इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा के दृष्टिकोण से सब की सब देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पास केवड़िया गांव है, जो कि नर्मदा जिले में स्थित है, वहां पे बनाया गया था। और ये प्रतिमा किसकी है? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। दोस्तों, न्यूज में इसलिए आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 जनवरी 2021 को 11 बजे वाराणसी समेत देश के कई स्थानों से केवड़िया के लिए चलने वाली देश के 8 कोनों को जोड़ के केवड़िया रेलवे स्टेशन से देश के अलग अलग हिस्सों में 8 ट्रेनें चलाई जाएगी। तो आप ध्यान रखो, इसीलिए न्यूज में आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी जी। और केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। ये दोनों भी उपस्थित रहेंगे इस अवसर पर। हम आगे चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जो फैक्ट्स है उनको हम देखते हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। ध्यान रखो आप, पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। आगे चलो, इसकी लोकेशन देखते हैं कहां पे स्थित है। यह सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक एक स्थान है, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है, वहां स्थित है। और ये जो स्टैचू है वो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। अगर पूछे आपको सवाल कि कौन से जिले में स्थित है, तो नर्मदा जिला टिक करके आना है आपको। की ऊंचाई 182 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत के लिए एक गर्व की बात है। आधार सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर है। इसके बाद में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, जिसकी ऊंचाई आधार को मिला के 208 मीटर है। दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। हम लोग डिजाइन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं। लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया इसको, लगभग 2989 करोड़ में बनाया था। इसका कार्य 31 अक्टूबर 2013 को स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ था? अक्टूबर 2018 में। और उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिन के अवसर पर देश को समर्पित किया था इस मूर्ति को। चुके डिजाइनर कौन है? राम सुतार जी। याद रखो, कई बार पूछता है कौन है डिजाइनर? राम सुतार जी। दोस्तों, भी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने गुजरात की नया टूरिज्म पॉलिसी भी अनाउंस किया, जो कि 2021 से 2025 पांच साल के लिए है। 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ हो। कुल मिला के हम कह सकते हैं ये जो मूर्ति है एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आएगा। जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देश और दुनिया के जो लोग हैं, जो अलग अलग हिस्सों से लोग इसको देखने जाएंगे, तो हम कह सकते हैं एक टूरिज्म की दिशा में लिया गया सही कदम है। और टूरिज्म पॉलिसी है वो भी एक सही कदम है गुजरात सरकार का। इससे वहां के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।